दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ ककोड़े की सब्जी। तो ये ककोड़े होते हैं जंगली फल बोलते हैं इसको, जंगली जैसे करेला होता है उस तरह से, तो इसको खाया जाता है इसी मौसम में। ये होता है, छोटे भी आते हैं और बड़े साइज़ में भी आते हैं, इतना छोटा साइज़ भी आता है दोस्तों। ये देखिए, ये आगे और पीछे कट कर लेना है, अच्छे से धो लेना है, 4 से 5 बार पानी में से धुल के अच्छे से सुखा के कट कर लेना। आप गोल पीसेस में भी कर सकते हैं और लंबे पीसेस में भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। हालांकि छोटे पीसेस हैं इसलिए मैंने गोल पीसेस किए हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। बड़ा जो होता है ककोड़ा, जो बड़ा होता है उसमें क्या होता है, आप आलू की तरह जैसे आलू 4 पीस में 5 पीस में करते हैं हम लोग, 6 पीस में कर लेते हैं, इस तरह से कट कर सकते हैं लंबे पीसेस में। ये देखिए, मैंने गोल सारे कट कर लिए हैं, इस तरह से कट कर लेंगे। इधर मैंने एक प्याज ले लिया है, एक प्याज मैंने और लिया था दोस्तों, जो कि मैं मतलब भूल गई दिखाना क्योंकि कम था। इसमें प्याज का प्रयोग ज़्यादा होता है क्योंकि सब्जी का थोड़ा सा जो टेस्ट है, थोड़ा सा कड़वा तो नहीं कहेंगे लेकिन उसका टेस्ट को बढ़ाने के लिए ये सब्जी थोड़ी सी करछाती है, बच्चों को पसंद नहीं होती है, लेकिन प्याज डालने के बाद उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, बहुत अच्छी होती है और काफ़ी ह्यूमिडिटी बढ़ाती है हम लोगों में। और कम से कम मीट से 2 गुना प्रोटीन इसमें होती है, वजन कम करने की भी के लिए सहायक होती है सब्जी। आप लोग खाइए, बनाइए, लो कैलोरीज होती हैं इसमें। कैलोरीज मतलब हमारी बॉडी में जो कैलोरीज हैं उसको ख़त्म करती, कम करती है और आँखों के लिए भी बहुत लाभदायक है, फैट को भी कम करती है। ये काफ़ी फायदेमंद है दोस्तों, तो इसको खाइए, बनाइए, सिंपल तरीके से बनाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि तामझाम करिए आप। इसको फ्राई कर लिया है मैंने, थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। इसी सेम कढ़ाई में हम जिस तरह से सब्जियां और छौंकते हैं मसालों के साथ चटपटे बनाने के लिए, जिस तरह से आप तीखा और सिंपल भी अगर बनाना चाहें तो कम मिर्च में भी इसको बना सकते हैं। इधर मैंने ये तेल ले लिया है, तेल लेने के बाद ये जीरा थोड़ा सा डाला है, इधर हींग डालेंगे। अब राई के दाने भी इसमें डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली थी राई, कोई ज़रूरी नहीं है राई डालिए, आप डालेंगे तो टेस्ट भी अच्छा आएगा। लहसुन इस पर खूब पड़ता है, तो लहसुन मैंने अच्छे से इमाम दस्ते में कूट दिया है, इसको काटा नहीं है, छोटा छोटा कूट दिया है माइन माइन। और हरी मिर्च को स्लिट कर दिया है, जो 3 मिर्चें दिखाई थी उनको कट करके, छोटी छोटी कट करके बड़े मतलब बड़े पीसेस में बीच से चीरा लगा के डाल दिया है। प्याज जो लंबा था हमारा, लंबा लंबा कट किया था, वो भी हमने इसमें फ्राई कर लिया है। और प्याज को ट्रांसलूशन होने देंगे, हल्का सा, ज़्यादा मैरून नहीं करना है, हल्का सा बस कलर चेंज हो। इधर हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, जो भी आप मसाले डालना चाहें डाल सकते हैं। इसमें आमचूर मसाला भी दोस्तों डालेंगे, ये हमें मिला लिया हमने। तेल इसमें आप जितना डालना चाहे प्रयोग, ज़्यादा तेल का ना करिए क्योंकि ये पौष्टिक होती है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है सब्जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा तेल ना पड़े, थोड़े तेल में ही बनाने की कोशिश करिए सब्जी को, बहुत कम भी नहीं कहेंगे लेकिन अच्छे से मतलब भुन जाए मसाला इतना। ये हमने आमचूर मसाला पाउडर डाल दिया है, आपके पास इमली का पल्प हो आप वो भी डाल सकते हैं। इधर मैंने ये ककोड़े डाल दिए हैं, आप ककोड़े भी बोल सकते हैं इसको, कंटोला भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। आप लोगों के इसको क्या क्या दोस्तों बोला जाता है सब्जी को, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा मुझे, तो मुझे भी पता चले। जो जो नाम मुझे पता था मैंने बता दिया आपको। तो ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए लाभदायक है। तो फैट को भी बहुत कम करती है, जो हमारे शरीर में चर्बी होती है उसको भी कम करती है। कैक्सी भी बोला जाता है दोस्तों इसको, जहाँ तक मुझे याद है, आप बताइएगा मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, अगर गलत बोल रही हूँ तो दोस्तों बताइएगा। ये देखिए बन गए हैं हमारे, सॉफ्ट हो गए हैं, इस तरह से इसको बना लेंगे। आइए इसको सर्व करते हैं, बस ये भुन गया है मसाला, इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे, बाकी आप डालना चाहें डाल सकते हैं गरम मसाला, मैंने थोड़ा सा डाला था हल्का सा।
उसको मिला देंगे गरम मसाले के डालने का, ये भुन जाए, सॉफ्ट हो जाए बस, ज़्यादा मैरून नहीं करना। मेरी लोहे की कढ़ाई है ना दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा काला सा लगता है, लेकिन इसका टेस्ट लोहे की कढ़ाई में ही, सब्जियों का, हर सब्जी का लोहे की कढ़ाई में ही आता है। मुझे हालांकि सब्जी इसी कढ़ाई में पसंद है बनाना, पौष्टिक होती है, आयरन की हमारे अंदर जो कमी होती है वो पूरा करती है। ये देखिए हमने परोस ली है सब्जी, देखिए कैसी लगी है, जिस तरह से मैंने बनाई दोस्तों उस तरह से बना के देखिए, आपको जिस तरह से आती है उस तरह से बताइएगा दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोगों को मेरी रेसिपी बिल्कुल पसंद, जो भी मतलब जिस तरह से लगी हो, अच्छी लगी या बुरी लगी, जैसी लगी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।